हेलो गाइस, मैं उन्लेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक अमेजिंग लैंडिंग पेज डिजाइन यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये रहेगा हमारी वेबसाइट का फर्स्ट लुक, जिसमें टॉप के ऊपर हमारी नेविगेशन बार होगी, जिसमें लेफ्ट साइड के अंदर हमारा लोगो होगा और राइट साइड के अंदर हमारे मेन्यूज होंगे। एंड देन नीचे आपको एक बड़ी सी इमेज दिखाई दे रही होगी और लेफ्ट सेक्शन के अंदर हमारा टेक्स्ट एंड दो लिंक्स होगी। देन नीचे देखिए हमारी जो इमेजेस है उनके ऊपर इफेक्ट भी ऐड कर रखा है। सो आज की इस वीडियो में हम ये वेबसाइट डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हमने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और साथ में सिंपल बेसिक स्टाइलिंग भी हमने अप्लाई कर रखी है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बॉडी टैग के अंदर और लगा देते हैं अपना हेडर टैग। तो देखिए सबसे पहले हेडर के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करनी है हमारी नेविगेशन। सो ये नेविगेशन बार हमें क्रिएट करनी है। तो आते हैं अपने एडिटर के अंदर। अब नेविगेशन बार में हमें दो डिव लेने हैं। देखिए फर्स्ट डिव हो जाएगा हमारे लोगो के लिए, तो क्लास सेट कर देते हैं लोगो और उसके अंदर हमारा लोगो बना लेते हैं। लोगो है हमारा पिज्जा हेट के नेम से। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जो पी आई लिखा हुआ है इसका कलर आपको ब्राउन दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस पी आई को एक स्पैन टैग में ले लेना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं स्पैन टैग और पी आई के जस्ट बाद में कर देंगे स्पैन टैग को क्लोज। चलिए लोगो वाले डिव का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा डिव क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमारे मेन्यूज बनाते हैं। तो क्लास सेट कर देंगे इसकी मेन्यू और मेन्यू हम एंकर टैग से बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं हमारे मेन्यूज। सो यहाँ पे हमने अपनी नेविगेशन बार का जितना भी HTML का कोड था सारा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। करते हैं यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ, ब्राउजर पे आते हैं और नेक्स्ट टैब के अंदर कर लेते हैं इसको पेस्ट। सो ये देखें यहाँ पे लोगो और मेन्यूज हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब इनको हमें स्टाइल करना है। आते हैं अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे हमारे हेडर टैग को स्टाइल। तो हेडर टैग की मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। विड्थ सेट करूंगा 100% की, देन जो हाइट है उसको सेट कर देंगे 100 VH यानी व्यू पॉइंट हाइट। देन देखिए इसके अंदर हम लगाएंगे बैकग्राउंड में इमेज, तो URL से इमेज लगा देते हैं। इमेजेस वाले फोल्डर में हमारी इमेज पड़ी है पिज्जा 2 के नेम से, जिसका टाइप है PNG। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए अभी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी इमेज को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें इसकी बैकग्राउंड साइज सेट करनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड साइज यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर दूंगा 50% की और जो हाइट है इमेज की उसको सेट करते हैं 90%। सेव रिफ्रेश। सो ये देखिए अभी इतना सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए बैकग्राउंड रिपीट सेट कर देना है। तो बैकग्राउंड हमें रिपीट नहीं करवाना है, नो रिपीट। सेव रिफ्रेश। सो ये देखिए इतना सेट कर लिया। अब ये जो इमेज है बैकग्राउंड वाली हमें राइट साइड में चाहिए, तो क्या करेंगे बैकग्राउंड की पोजीशन सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पे सेट कर देंगे, कहाँ पे चाहिए बॉटम से चाहिए, कहाँ पे राइट साइड में। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए इमेज हमने राइट साइड में सेट कर लिया है। तो हमारी नेविगेशन बार है इसको स्टाइल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा नेव टैग है इसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी नेविगेशन बार है वो किसके अंदर है, हमारे नेव टैग के अंदर। तो सबसे पहला काम होता है नेव टैग को स्टाइल करना। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ सेट कर दूंगा 100% की हमारी नेविगेशन बार की, देन जो हाइट है उसको सेट करेंगे 70 पिक्सल की। अब चलिए इसमें पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल की और लेफ्ट और राइट से कर देंगे 70 पिक्सल। देन जो हमारा नेविगेशन है उसका बैकग्राउंड सेट कर देंगे व्हाइट, टेक्स्ट का जो कलर है उसको सेट करेंगे ब्लैक। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए अभी इतना ही सेट हुआ है, हमें ओनली लेफ्ट और राइट से पैडिंग मिल चुकी है 70 पिक्सल की। अब हमें ये एक रो के अंदर लेके आना है, तो हमें फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा लोगो और इमेज एक रो के अंदर सेट हो चुका है। अब हमारा जो लोगो है इसको हमें स्टाइल करना है। तो देखिए लोगो को स्टाइल कैसे करते हैं, हमने क्लास सेट करी थी लोगो, तो चलिए उसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्लास सेट करी है लोगो, अब इस लोगो के अंदर हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है।
यहाँ पे मैं जो हमारी नेविगेशन बार है इसके अंदर बॉक्स शेडो अप्लाई कर देता हूँ। तो बॉक्स शेडो यहाँ पे हम लगाते हैं 5 पिक्सल का और कलर कर देंगे उसका ग्रे। सेव करते हैं। देन फ़ॉन्ट साइज सेट करेंगे इसके हम यहाँ पे और साथ में ही लेटर स्पेसिंग ऐड कर देंगे 2 पिक्सल की। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए इतना सेट कर लिया। और जो हमारा पीआई है उसका कलर कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने पीआई को एक स्पेन टैग में लिया है, तो अब हमें इस पेन टैग को स्टाइल करना है। यहाँ पे इस क्लास को करते हैं कॉपी। यहाँ पे देखिए लोगो के अंदर जो आपका स्पेन टैग है इसको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करना है, बस हमें कलर सेट कर देना है इसका ब्राउन। सेव और रिफ्रेश। ये देखिए ऑटोमेटिक हमने हमारा लोगो स्टाइल कर लिया है। अब जो हमारे मेन्यूज है इनको हमें स्टाइल करना है। तो देखिए मेन्यू के लिए हमने यहाँ पे क्लास लगाई थी मेन्यू, उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको हम स्टाइल करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी क्लास है मेन्यू उसके अंदर जो हमारे टैग है एंकर टैग है इनको हमें स्टाइल करना है। देखिए जब भी हम लिंक्स को स्टाइल करते हैं तो सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना, ताकि उनके नीचे से अंडरलाइन रिमूव हो जाए और उनका जो कलर है वो हम सेट कर देंगे ब्लैक। और इसके अंदर पैडिंग अप्लाई कर देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए मेन्यूज हमने इतने सेट कर लिए हैं। अब जो लास्ट वाला मेन्यू है इसका कलर चेंज करना है। मेन्यू के अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसका जो लास्ट चाइल्ड है ना, उसका जो लास्ट चाइल्ड है यानी लास्ट जो मेन्यू है उसको स्टाइल करना है। बस उसका बैकग्राउंड हमें क्या कर देना है, ब्राउन कर देना है और टेक्स्ट का कलर कैसा कर देना है, वाइट। और बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं 8 पिक्सल की। सेव रिफ्रेश। सो ये देखिए ऑटोमेटिक हमने हमारी नेविगेशन बार क्रिएट कर ली है। जो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है इसको हमें क्रिएट करना है, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं अपने वाले के अंदर भी, आते हैं एडिटर में। सो नेव टैग के बाद में यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव की क्लास सेट कर देंगे हम यहाँ पे हेडर टेक्स्ट। तो एच टेक्स्ट करके उसकी क्लास हम सेट कर लेते हैं, आप कोई भी नेम लिख सकते हो। और इसके अंदर हेडिंग एंड पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और साथ में ही दो हमारी लिंक्स हैं उनको भी क्रिएट कर लेते हैं। कुछ नहीं किया गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिया है, एक हमारी H1 हेडिंग है, एक H2 हेडिंग और दो हमारी लिंक्स है, बस मैंने इतना ही कोड लिखा है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए जो भी हमने लिखा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब इसको स्टाइल करना है तो आते हैं अपने एडिटर में। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा हेडर है इसके अंदर हमें पोजीशन रिलेटिव सेट करनी पड़ेगी। तो पोजीशन सेट कर देते हैं रिलेटिव। अब जो हमारा हेडर टेक्स्ट है उसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो देखिए एच टेक्स्ट की सबसे पहले मैं पोजीशन सेट करूंगा यहाँ पे एब्सोल्यूट। और ये कहाँ पे चाहिए, ये हमें टॉप से चाहिए होगा, लेफ्ट से हमें चाहिए 5% के मार्जिन पे। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखें यहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं चलिए थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ पैडिंग और पैडिंग कर देते हैं 15 पिक्सल की। सेव रिफ्रेश। तो ये परफेक्टली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। हेडर टेक्स्ट के अंदर जो पैराग्राफ है सबसे इसको स्टाइल करते हैं, आते हैं एडिटर के अंदर और यहाँ पे देखें जो आपका एच टेक्स्ट है उसके अंदर पी टैग है उसको हमें स्टाइल करना है। कलर सेट करूंगा लाइट ब्लैक कलर, तो उसका कोड होता है 26 26 26। और साथ में इसके अंदर लेटर स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, तो टेक्स्ट का वेट है उसको कर देते हैं बोल्ड। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए पैराग्राफ हमने स्टाइल कर लिया है। अब जो हमारा H1 टैग है हमारी हेडिंग है इसको स्टाइल करते हैं, आते अपने एडिटर में। यहाँ पे देखिए H टेक्स्ट के अंदर जो हमारा H1 टैग है इसको स्टाइल करते हैं। देन इसके अंदर मैं लाइन हाइट सेट करूंगा 1.5 em की। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए अभी हमने इतना स्टाइल कर लिया है। अब देखिए जो डबल ओ लिखा हुआ है इसका कलर कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अंदर फूड्स के अंदर डबल ओ का कलर चेंज है, तो सेम अपने वाले में भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो आपका एच टेक्स्ट है उसके अंदर जो H1 है इसके अंदर जो हम अपना स्पेन टैग है इस स्पेन टैग को स्टाइल करते हैं। ये स्पेन टैग मैंने कहाँ लिया है मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए
एफ के बाद में मैंने स्पेन टैग लिया और डबल ओ को स्पेन टैग के अंदर लिखा है। अब इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल क्या करना है, बस हमें कलर सेट कर देना है इसका। ब्राउन, सेव, रेफ्रेश, ये देखिए। अब जो हमारा एच टू हेडिंग है, ये देखिए सेकेंड वाली, इसको स्टाइल करते हैं। अगेन आते हैं अपने एडिटर में और यहाँ पे सी को कर लेते हैं, चलिए कॉपी, और नीचे कर लेते हैं पेस्ट। एच वन की जगह एच टू कर देते हैं। देन देखिए हमें इसके अंदर क्या सेट कर लेना है, मार्जिन बॉटम, और इसको करेंगे 0.5 ईएम का। सेव, रिफ्रेश, तो परफेक्टली हमने इतना सेट कर लिया। अब जो हमारी लिंक्स हैं, इनको हमें स्टाइल करना है, तो देखिए कैसे स्टाइल करते हैं लिंक्स को। यहाँ पे हमने लिंक को कुछ आईडी दी है। फर्स्ट हमने आईडी दी है ऑर्डर। इस आईडी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं अपने सीएसएस वाले कोड के अंदर और आईडी को हैश के साथ में पेस्ट करते हैं और करते हैं स्टाइल। सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना, ताकि अंडरलाइन रिमूव हो जाए। टेक्स्ट का कलर सेट कर देंगे व्हाइट और बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे ब्राउन। देन यहाँ पे रेडियस अप्लाई कर देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए अभी इतना सेट हुआ है, परफेक्टली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने पैडिंग ऐड नहीं करी है। तो यहाँ पे पैडिंग लगाएंगे टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश, तो ये देखिए परफेक्टली हमने एक लिंक को क्रिएट कर लिया। अब सेकेंड वाली स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाली को हमने क्या आईडी दी है, यहाँ पे देखिए DIS करके हमने इसको आईडी दी है, डिस्काउंट करके। सेम यहाँ पे भी हमें क्या कर देना है, टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले नन करना है। टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम यहाँ पे कर देंगे वाइट। देन बैकग्राउंड यहाँ पे लगाएंगे लाइट ब्लैक कलर। देन इसके अंदर हम पैडिंग ऐड करेंगे, तो पैडिंग लगाएंगे टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। और साथ में चलिए बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देते हैं 8 पिक्सल की। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए दोनों लिंक्स हमने अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर ली है। अब हमें लास्ट क्या करना है, ये जो हमारी इमेज है हमें उनको ऐड करना और ये इफेक्ट उन पे अप्लाई करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे इस डिव के बाद में अगेन एक डिव क्रिएट करते हैं और उसके अंदर इमेज सेट कर लेते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे इस डिव को एक आईडी दे देता हूँ, चलिए पिज्जा करके आईडी दे देते हैं और इसके अंदर पिज्जा की इमेजेस लगा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इमेजेस सेट कर दिए हैं। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। सो देखिए इमेजेस आपकी टॉप पे दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पे बॉटम में चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टाइल, किसको स्टाइल करेंगे, यहाँ पे देखिए पिज्जा वाले डिव को। तो इसकी आईडी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे आने के बाद में हैश के साथ में करते हैं इसको पेस्ट। देन करते हैं स्टाइल। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट, और ये हमें कहाँ पे चाहिए, बॉटम से चाहिए हमें यहाँ पे 15 और लेफ्ट से ले लेंगे 5% का मार्जिन। चलिए सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो इमेजेस यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें इफेक्ट क्रिएट करना है, तो देखिए कैसे क्रिएट करते हैं। जो पिज्जा वाला आपका डिव है, इसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, उस इमेज का सबसे पहले मैं ट्रांजिशन सेट कर देता हूँ ताकि स्मूथली हो जाए, 0.4 सेकंड का एस, यानी एकदम स्मूथली। अब इसके ऊपर हॉवर इफेक्ट क्रिएट करना है, तभी हमें दिखाई देगा। तो क्या करते हैं, देखो इस इमेज के ऊपर लगाते हैं हॉवर, और हॉवर पे क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए इसका ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट वाई कितना हो, -20 पिक्सल का। सेव करते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। अभी देखिए जैसे ही करते हैं होवर, हमारा इफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।